हसीना वाजिद की बात करें तो इन्होंने यूएस प्रेशर को काफ़ी हद तक डिफाई किया है, ये मैनेज कर सकते हैं यूएस प्रेशर को जैसे उर्दगान ने किया है। पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। যত কিছুই হয়ে যাক বাংলাদেশ কিছুতেই মাথানত করবে না, শুধু মুখে নয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা করেও দেখাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে একটা নেগেটিভ সেন্টিমেন্ট ছিল পাকিস্তানিদের, কারণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময়ই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলেন এবং পাকিস্তানকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে 1971 সালের গণহত্যার জন্য অফিসিয়ালি ক্ষমা না চাইলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না। 2018 সালে যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও ক্ষমতায় আসেন তখন পাকিস্তানি মিডিয়া মোটেও খুশি ছিল না। যারা বিডিটিউবকে প্রথম থেকেই ফলো করেন তারা নিশ্চয়ই এই বিষয়টি জানেন, কিন্তু এখন পুরো চিত্রটাই পাল্টে গিয়েছে। পাকিস্তানিরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুধু পছন্দ করতে শুরু করেছে এমনটা নয়, বরং মুসলিম বিশ্বের নেতাও মনে করছে বাংলাদেশের উন্নয়ন আর আমেরিকার দাদাগিরির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য শেখ হাসিনাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে পাকিস্তানিরা। এখন পাকিস্তানিরা শেখ হাসিনাকে তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের সাথে তুলনা করছে। পাকিস্তানি মিডিয়া বলছে আমেরিকার সামনে ইমরান খানকে সারেন্ডার করতে হয়েছে, কিন্তু শেখ হাসিনা আর এরদোয়ান আমেরিকার চোখে চোখ রেখে রুখে দাঁড়িয়েছে। এ নিয়ে আর কি বলছে পাকিস্তানি মিডিয়া আসুন তা দেখি। বাংলাদেশ formerly ईस्ट पाकिस्तान ये भी ग्रेट पावर कंपटीशन में शामिल हो चुका है। जी हाँ, कोल्ड वॉर इस वक्त जो एशियन ब्लॉक वर्सेस अमेरिकन ब्लॉक की जारी है उसमें कई ममालिक के साथ साथ बांग्लादेश भी अब एंटर हो चुका है और जोरों शोर के साथ। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, किस तरह अमेरिका और ये जो एशियन ब्लॉक है जिसमें चाइना और रूस है ये दोनों इसको अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट मंथ एक बहुत तारीखी डेवलपमेंट हुई है और उस डेवलपमेंट के तहत 3 रशियन वॉरशिप्स बांग्लादेश की चिटागोंग पोर्ट में एंटर हुई हैं और ये रशियन नेवल वॉरशिप्स का पिछले 50 सालों में पहला विजिट था किसी भी बांग्लादेशी पोर्ट का। और इसके साथ ही दोनों की जो नेवीज है, बांग्लादेश और रशियन नेवी, इन्होंने कंबाइंड नेवल ड्रिल में हिस्सा लिया है और रशियन नेवल ऑफिसर्स की बंगाली नेवल ऑफिसर्स के साथ डिटेल्ड मीटिंग्स हुई हैं। इसका क्या मतलब है, आज की इस वीडियो में हम इस ग्रेट पावर कंपटीशन को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें बांग्लादेश इन्वॉल्व है। ये चीज जाहिर करती है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होगी और किस तरह अब रूस इस इलाके में इंटरेस्ट ले रहा है। और अगर अवामी लीग आ जाती है, अगर एशियन कैंप की बात करें, रूस, चाइना और इंडिया तीनों इनसे खुश होंगे और अमेरिका यहां पर भी आइसोलेशन का शिकार होगा अगर अमेरिका इनकी जो करंट सेटअप है, करंट रिजीम है, इससे बिगाड़ने की कोशिश करता है। हसीना वाजिद की बात करें तो इन्होंने यूएस प्रेशर को काफ़ी हद तक डिफाई किया है, मतलब बहुत से हमने देखे हैं लीडर्स वो नहीं उसको सस्टेन कर सके यूएस प्रेशर को, आप इधर उधर नज़र दौड़ तो ये किसी हद तक ये मैनेज कर सकते हैं यूएस प्रेशर को जैसे उर्दगान ने किया हुआ है और भी कई मुल्कों ने किया हुआ है, लेकिन कई ऐसे मालिक होते हैं या कई रिजीम्स ऐसे होते हैं जो नहीं सस्टेन कर पाते और अमेरिका उनको सक्सेसफुली चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश ने काफ़ी हद तक एक रेजिस्टेंस दिखाई है अवामी लीग की हुकूमत ने और अब भी लाइकली आउटकम यही है कि इलेक्शन यही जीतेंगे और इसके बाद देखना होगा कि अमेरिका किस तरह इनके साथ ताल्लुकात को कायम रखता है। और अमेरिका ने अगर इनको कम्प्लीटली आइसोलेट करने की कोशिश की या मजीद सैंक्शंस लगाने की कोशिश की तो अमेरिका खुद आइसोलेट हो सकता है इस रीजन में, क्योंकि चाइना, रूस और इंडिया की ऑलरेडी इनसे यस है। विश्व दादागिरी स्थापन प्रतियोगिताएं नेमेछे अमेरिका, चीन और रशिया। चीन और रशिया बांग्लादेशे बड़ विनियोग माध्यमे निजेदेर दले रखार चेष्टा करछे, অন্যদিকে আমেরিকা বাংলাদেশের উপর জোর করে বাংলাদেশকে নিজেদের দলে নেয়ার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখে আসছে বহু বছর ধরেই। বাংলাদেশ, চীন, আমেরিকা আর রাশিয়া তিন পক্ষকেই খুশি করে ব্যালেন্স করে চলছিল, কিন্তু আমেরিকা হঠাৎ করেই জোর খাটাতে শুরু করে। আমেরিকার চাপের সামনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঝুঁকে যায়নি, বরং নিজের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি বজায় রেখেছে দেশের ফায়দার কথা বিবেচনা করে। আমেরিকা জোর করে বাংলাদেশকে তাদের গোলাম বানাতে চাইছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা কোনোভাবেই হতে দিবেন না। এমন অবস্থায় বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তনের কুপরিকল্পনায় লিপ্ত হয়েছে আমেরিকা, কিন্তু আমেরিকা সেই ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করে
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইমরান খান পাকিস্তানকে আমেরিকার গোলাম থেকে বাঁচাতে না পারলেও শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে বাঁচাতে পেরেছে। আর এখানেই পাকিস্তানিরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর ইমপ্রেসড হয়ে গিয়েছে। তাই তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এরদোয়ানের সাথে তুলনা করে আয়রন লেডির তকমা দিচ্ছে। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিও সম্পর্কে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আমাদের, সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডিটিউবের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।